सिंगू बॉर्डर से शाम की ताज़ा जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर हैं। विस्तार से आपको बताएंगे सुबह से अब तक क्या क्या हुआ। फिलहाल देख लेते हैं इस वक्त की खास खबरें। करीब 5 घंटे चली 5वें दौर की बैठक एक बार फिर रही बेनतीजा। बैठक के बाद किसानों ने कहा, सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं तो हम आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। अब 9 दिसंबर को होगी अगली बैठक। किसानों के समर्थन में सिंगू बॉर्डर पहुंचे दिलजीत दोसांझ, सरकार से मांगों को पूरा करने का किया अनुरोध। कहा, आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाएगा इतिहास। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर किसानों से मिलने फिर पहुंचे आप नेता राघव चड्ढा, वहीं किसानों के समर्थन में उतरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र। किसान हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, आज 10वां दिन है। 5वें दौर की बातचीत के बाद क्या निकल कर आया सामने? 5वें दौर की बातचीत में सरकार और किसानों के बीच में बात बनी नहीं बनी, कहां किसान नाखुश हुए और कहां किसानों को संतुष्टि मिली, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच रार तकरार जारी है। शनिवार को 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान सरकार से अब हाँ या ना में जवाब चाह रहे हैं। आज 5वें दौर की वार्ता के दौरान किसान नेता शांत बैठ गए थे और मंत्री आपस में बात करने के लिए बाहर चले गए थे। किसान नेता एक पन्ने पर हाँ या ना यानी यस या नो लिखकर बैठे थे। किसान संगठन के नेता बैठक में मंत्रियों के सामने यस या नो प्लेकार्ड लेकर बैठ गए। किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांग पूरी करेंगे या नहीं। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वे हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे, हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। वहीं किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि हम कानून रद्द कराकर ही मानेंगे, इससे कम पर हम मानने वाले नहीं हैं। और अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर सरकार और किसान नेताओं की बातचीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। आज 5वें दौर की बैठक में भी सरकार और किसानों के बीच कुछ तल्खी नजर आई। तल्खी साफ उस वक्त नजर आई जब किसानों ने एक बार फिर से लंच करने से इनकार कर दिया। विज्ञान भवन में किसानों ने अपने साथ जो लंगर चलाया हुआ खाना था वही खाया। विज्ञान भवन में मंत्रियों से 5वें राउंड की मीटिंग करने पहुंचे किसान नेताओं ने एक बार फिर सरकारी खाना ठुकरा दिया। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास कार सेवा लिखी हुई एक गाड़ी विज्ञान भवन पहुंची, जिसमें किसानों के लिए खाना लाया गया था। उसके बाद उन्होंने लंगर का खाना मंगवाकर विज्ञान भवन में खाया। किसान नेताओं ने कुर्सी मेज की जगह फर्श पर बैठकर अन्न ग्रहण किया। इससे पहले 3 दिसंबर की मीटिंग के दौरान भी किसान नेताओं ने सरकारी लंच ठुकराकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना था कि वो सरकारी पैसे की न चाय पियेंगे और न ही लंच करेंगे। वे विज्ञान भवन में लंच करने नहीं बल्कि अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आए हैं। किसान नेता लंच ठुकरा कर ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सरकार से मांगों के सिवा और कुछ मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। तो पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ भी आज
सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में पहुंचे और किसानों को सपोर्ट किया। दलजीत दोसांझ जो कि अभी कंगना रनौत के साथ किसान आंदोलन को ही लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे, जब कंगना ने एक ट्वीट किया था और उसका जवाब दलजीत दोसांझ ने अपने ही अंदाज में दिया था। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लोगों का शुगर और बीपी चेक किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर जो भी ज़रूरी दवाई यहाँ पर मौजूद लोगों को चाहिए होती है वो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। और कुछ मेडिकल कैंप में ये भी देखने को मिला, उनका कहना था कि अगर वो दवाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है कि कुछ ही घंटों में वो दवाई यहाँ पर मौजूद किसानों को, लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। किसानों के साथ आम लोगों के अलावा पंजाबी सितारे भी उतरे हुए हैं। पिछले दो दिनों से कंगना रनौत के साथ ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों के बीच एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, जिसके बाद कई पंजाबी सिंगर भी दिलजीत के समर्थन में उतर गए। वहीं किसानों के समर्थन में लगातार आवाज उठाने वाले पंजाब के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ किसानों से मिलने पहुंचे। किसानों से मुलाकात के बाद दिलजीत दोसांझ ने उन्हें संबोधित किया। उन्हें कहा, हमारा केंद्र से सिर्फ एक अनुरोध है कि कृपया किसानों की मांगों को पूरा करें। यहां सभी लोग शांति से बैठे हैं और पूरा देश किसानों के साथ है। तो सरकार नूं मैं सिर्फ इक्को ही गुजारिश करना चाहुंदा कि जो भी किसान वीर चाहुंदे ने हाथ बन के बेनती है, नैशनल मीडिया नूं भी जो कवर कर रहा है सानू, तां हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए, किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे, सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डरों पर किसानों को हर जरूरतमंद सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खाने से लेकर मेडिकल चेकअप और दवाई की सुविधा भी प्रदर्शन कर रहे किसानों को मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है और किसानों का शुगर बीपी का चेकअप भी किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर किसानों को दवाई भी दी जा रही है। लोग इतने दूर से आए हुए हैं यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे पेन किलर हो गया या इचिंग प्रॉब्लम हो गई है, लाइक प्रॉब्लम हो गई है और अपना एसिडिटी हो गई है, इन सब चीज़ों के ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग उसकी सेवा जरूर कर रहे हैं। कितने दिन से आपने कैंप लगाया हुआ है और कितनी मदद यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं आपके कैंप से जो दवाइयाँ मिल रही हैं, जो सहायता उन्हें मिल रही है, उनको मिल रही है? ये चार दिन हो गया, आज फिफ्थ डे है यहाँ पे हमें कैंप लगाए हुए, तो वाकई में यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो जितनी संख्या में देख रही हूँ यहाँ पर किसानों की, जाहिर तौर पर लाइन लगी रहती होगी सुबह से शाम तक। आप अभी देख लीजिए, इधर कैमरा करके देखिए कितनी संगत है इस टाइम पे। नहीं, यहाँ पे डेली रूटीन की मेडिसिन ज़्यादा रखी है हमने, जैसे दर्द हो गई, पेन किलर हो गई, इचिंग वगैरह की हो गई, तो दिक्कत नहीं है किसान को। किसान वहाँ भी मेहनत करके खा रहा है तो किसान यहाँ भी बैठा हुआ है, ये तो बड़ी बात है कि ये परवाह नहीं कर रहा है। ये केवल पंजाब का किसान नहीं है, पंजाब से हरियाणा का किसान है, पूरे भारत का किसान है, पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। उसकी सेवा के लिए संस्थाएं यहाँ, ये अकालिट ने लंगर लगाया हुआ है, हमारे और भाई हैं जैसे अलग अलग जगह पर लंगर लगा, किसी बात की भी यहाँ दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, एक तरफ से जरूर दिक्कत आ रही है कि केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से वो कह रहे हैं भाई हमारे कि वो जरूर दिक्कत आ रही है, यदि उधर से कोई अच्छा शुभ स्नेहा आएगा तो फिर हो सकता है ये आंदोलन समाप्ति होगी। आज मीटिंग भी हो रही है, जो आज मीटिंग में लगता है कि कुछ अच्छा संदेशा उधर से आ सकता है, उस संदेश के बाद ही भाई ये सोचेंगे, क्योंकि ये
जन आंदोलन जो किसान आंदोलन है, ये किसी एक का किसी धर्म और जाति को जोड़कर ना देखा जाए इसको, ये जन आंदोलन किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के लिए ही यहाँ दवाइयाँ चल रही हैं, यहाँ लंगर चल रहे हैं, यहाँ पानी की सेवा चल रही है, यहाँ बादामों की, गिरियों की, हर एक चीज़ की सहूलत है, चाय के लंगर चल रहे हैं। ये जन आंदोलन किसान आंदोलन है, तो हमारी सरकार को चाहिए कि ये किसान आंदोलन को जरूर सोचा जाए, जरूर उनकी मांगों को गौर किया जाए और जो समाधान निकलना चाहिए, अच्छा समाधान निकलना चाहिए। बहरहाल किसानों का साथ देने पंजाबी सिंगर से लेकर डॉक्टर तक खड़े हैं। किसानों की देख रेख के अलावा खाने का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। किसानों का प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आसपास से काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर किसानों को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे और अपनी पेंटिंग्स के जरिए किसान आंदोलन को अपना समर्थन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिखाया। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा भी आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुँचे। कृषि कानून पर गतिरोध जारी। देश भर से आए हजारों किसान बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पांचवें चरण की बैठक से पहले किसानों ने सरकार पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, किसानों का कहना है कि हमारी 8 मांगे हैं, 3 कृषि कानून, पराली, बिजली समेत सभी को रद्द करना चाहिए। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। हम एक बात बताना चाहते हैं सरकार को, जो या बार बार कहती है मैं डबल एमए हूँ, एमए इकोनॉमिक्स हूँ और हिस्ट्री की एमए की हुई है। यहाँ कोई कोई किसान सिंपल कपड़ों में कोई अनपढ़ नहीं है जिसको ये सरकार बार बार कानून समझाने की बात करती है। हम इनसे ज़्यादा जानते हैं। हम तो एक बात इनको कहते हैं, बड़ी पंजाबी में एक बात कहते हैं कि हमारे सामने आ जाओ, जहाँ हमको समझा लो या हमसे समझ लो। अगर जो किसी असफल हो जाए किसी काम में, वो अपना सिर दे दे, वो अपने दोनों हाथ खड़े करके अपनी हार मान ले। ये जो वार्ता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जो 4 बार पहले इन्होंने एक जुमलाबाजी के जरिए जो मीटिंग्स किसानों की बुलाई, उसमें इनका मेन एजेंडा था, एक बहुत गंदी पॉलिसी थी कि किसानों को, पंजाब के किसानों से भारत के किसानों को अलग कर दिए जाए और पंजाब की 30 जथेबंदियों में किसी न किसी तरह की फूट पाई जाए और ये लोगों को हम बताएँ कि हम तो बातें करने के लिए तैयार हैं। जब ये मैसेज भेजते हैं, हमारी सभी किसान जथेबंदियाँ मिलकर एकजुट होकर आज भी एकजुट हैं, चली जाती हैं इनकी बात सुनने को, इनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। 8 मांगे हैं हमारी, 3 कानून की है, एक जो पराली का कानून बनाया है, एक जो बिजली बिल बनाया है। ये सभी मांगे जो है जितनी देर पूरी नहीं होएगी हम उतनी देर संघर्ष करते रहेंगे। इस तो बाद 2 साड़ी मांगे हैं जो मोदी ने वादा किया था इलेक्शन के पहले, नहीं वह भी 2 मांगे आप पूरी करा के जाएंगे। 8 मांगे का साड़ा मांग पत्र है, 8 मांगे पूरी करा के जाएंगे, जितनी देर मर्जी संघर्ष करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। इसको बहुतों के साथ साथ नेताओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस कड़ी में पार्टी आंदोलन की शुरुआत से ही किसानों के हक में आवाज उठा रही है। वहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों को भटकाने का आरोप लगाया। पिछले 8 दिन से 8 रातों से हमारे किसान भाई बहन, क्रांतिकारी आंदोलनकारी भाई बहन इस खुले आसमान में सो रहे हैं इस ठंड के मौसम में। ज़रा मोदी सरकार भी अपने 2-3 मंत्रियों को भेजे यहाँ सोने के लिए तो उन्हें पता लगे। ठंड की बात आप कर रहे हैं, अराउंड 6 फार्मर्स हैव डाइड व्हाइल द प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड। अब तक 6 फार्मर्स जो हैं वो मर चुके हैं ड्यू टू कोल्ड एंड एक्सीडेंट्स। हाउ डू यू सी दिस एंड व्हाट यू कमेंट ऑन दिस? देखिए, बहुत ही शॉकिंग है, दुखद है और केंद्र सरकार चाहे तो इस पूरे मसले को 1 मिनट के भीतर हल कर सकती है। ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है ये, लेकिन ऐसा लगता है कि एक केंद्र सरकार ने इसे अहम की लड़ाई बना लिया, इसे एक ईगो बैटल बना लिया। रोज़ाना मीटिंग होती है 8-8 घंटे की, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मांग भी बड़ी सिंपल सी, इमीजिएटली मानी जा सकती है, इमीजिएटली काम किया जा सकता है, लेकिन इसे अहम की लड़ाई बना लिया, ये बहुत दुखद है। वहीं इस प्रदर्शन में अब कॉलेज के छात्र भी उतर चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के समर्थन में स्लोगन के माध्यम से कृषि कानून के खिलाफ हमला बोला। जिस तरह किसान अपनी मांगों को लेकर उग्र हैं, इससे तो साफ पता लग रहा है कि किसान मांगे मनवाए बिना वापस जाने वाले नहीं हैं, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना लड़नी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। आईएनएस न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
फिर से हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।